जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया से महदीपुर फोरलेन, सोनोली नौतनवा, गोरखपुर देवरिया फोरलेन, गोरखपुर वाराणसी फोरलेन मार्ग के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर देवरिया मार्ग को 15 दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जल निगम के द्वारा कराए जा रहे सीवरेज कार्य की प्रगति के बारे में निर्देश दिए कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य समय से पूर्ण कराया जाए और सड़क निर्माण के जमीन अधिग्रहण में जिन लोगों का मुआवजा शेष बचा है उसे शीघ्रता से ही उसको वितरित कराएं। और उन्होंने विद्युत विभाग के द्वारा जर्जर तारों को बदलने के लिए 11 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों के बारे में जाना और कार्यों को शीघ्र आरंभ करने का निर्देश दिया। प्राणी उद्यान के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए विद्युत के कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल से तरकुलानी रेगुलेटर तक के नाले तथा गोड़दहिया नाले की सफाई कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रेक्षागृह के कारण पूर्ण होने के उपरांत वहां पर लगातार सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित रहे, इसके लिए अभी से कार्य योजना बना लिया जाए। उन्होंने रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दिसंबर तक कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि रामगढ़ताल में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने राप्ती नदी पर राजघाट एवं रामघाट पर हो रहे सौंदर्यकरण कार्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया और उन्होंने तरकुलानी रेगुलेटर के निर्माण की समीक्षा करते हुए 15 जून 2021 तक कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे शहीद स्मारकों एवं विभिन्न जगहों का पर सौंदर्यकरण के कार्यों की समीक्षा की और कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद के संबंध में कहा कि किसानों को उपज का सही मूल्य मिले, किसी भी दशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में धान की खरीद ना हो और क्रय केंद्र पूरी तरह से संचालित रहे और सभी क्रय केंद्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जाँच कराया जाए तथा कॉन्टैक्ट टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि ICCC लगातार कार्य करें, पर्व व त्योहारों के दृष्टिगत अतिरिक्त सावधानी रखी जाए तथा सर्विलांस को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। उन्होंने वेटनरी कॉलेज के निर्माण, सैनिक स्कूल के निर्माण, आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण एवं जनपद के अन्य निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली और जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर DG पर्यटन रवि कुमार, NG मंडलुक जयनालिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। Yeah.